नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और क्रिप्टो विद एसबी मतलब यकीन मानिए जरूर बनेगा पैसा, पैसा बने ना बने लेकिन डूबने नहीं दूंगा। मेरे काफी दोस्त जो है कंप्लेंट करते हैं कि सर मैं फलाने को फॉलो करता था, उसको फॉलो करता था, मेरे को इतने लाख का नुकसान हो गया, इतने लाख का नुकसान हो गया। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको क्रिप्टो में नुकसान नहीं हुआ होगा। और अगर आप नहीं देखते, भाग भाग के देखते हैं, तो फिर आपको बचाव कोई नहीं पाया होगा। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है। लेकिन यहाँ ये भी बता दूं, ना ही मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। जो भी बनाता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। कुछ भी खरीदोगे बेचोगे अगर समझ में आता है मेरे बताए हुए वीडियो में, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉफिट लॉस होता है, मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आज एक्चुअली सुबह मेरे को एक फ़ोन आया और उसके बाद आज डिस्कशन हुई। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो विद एसबी, अगर आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करते हो, क्रिप्टो विद एसबी कहीं पे भी आपको नज़र आ जाए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो अगर फॉलो नहीं करते तो आपको करना चाहिए। और अगर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, कोई सवाल है, प्रश्न है, तो जो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लो, मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। अब फ़ोन क्या आया, सुबह 7 बजे बडगाम, जम्मू से ही जो है कश्मीर का हिस्सा है बडगाम, जम्मू से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर, वहां से एक सुबह फोन आया। तो मैंने कॉल बैक की, मैं सोया हुआ था, जब उठा तो मैंने पूछा कि कौन सज्जन है, क्योंकि नंबर जम्मू कश्मीर का था। तो आगे से उन्होंने मेरे से बात की कि सर लूना जो है मेरे को नुकसान हो गया, अब मुझे बताओ मैं कौन सा कॉइन लूँ कि मुझे प्रॉफिट हो जाए। मैंने कहा कितना नुकसान हुआ है, कहते कि 1 लाख रुपए का। मैंने कहा शायद आपने मेरे से पहले भी बात की थी, कहते नहीं सर मैंने अभी रिसेंट आपका वीडियो देखा है, तो मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा वो तो चला गया, और मेरा मशवरा यह है कि अभी किसी भी आल्ट कॉइन में पैसे मत लगाना। फिर मैंने पूछा करते क्या हो आप, कहते मैं बिजली का काम करता हूँ, और हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने पैसे लगाए थे, वो सबको नुकसान हुआ। मैंने कहा चलो बढ़िया। फिर वो कहते मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ, मैंने 10-15 हज़ार रुपया लगाया था, वहीं से जो प्रॉफिट कमाया वही जो है मेरा बाकी का प्रॉफिट, और इसीलिए मेरे को नुकसान हो गया। इस बात से एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये किस्सा बताने का मेरा मकसद ये था कि वो सज्जन ये बोलते हैं कि मैंने 10-15 हज़ार से 1 लाख बनाया या 2 लाख जितना भी बनाया वही मेरा नुकसान हुआ। लेकिन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, कोई भी रिस्की असेट्स जो हैं, कहानी यही है। अब कहानी क्या है, हर किसी ने 10-10, 15-15 हज़ार रुपया लगाया, लेकिन निकाला किसी ने नहीं, विड्रा किसी ने नहीं किया, और मोर यही सपने दिखाए गए। 1 रुपए की चीज़ को 10 हज़ार रुपये तक पहुँचाया गया, 1 रुपए की चीज़ को 20 हज़ार तक पहुँचाया गया, 1 रुपए की चीज़ को 30 हज़ार तक पहुँचाया गया। कोई 30 हज़ार रुपये फंसा, कोई 20 हज़ार रुपये फंसा, कोई 10 हज़ार रुपये फंसा। मेरे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे मार्केट नीचे आती गई मैं आगाह करता गया। लूना के टाइम भी मैंने आगाह किया, जब बिटकॉइन स्लिप हो रहा था तब भी आगाह किया, जब बिटकॉइन ऊपर बढ़ रहा था तब भी आगाह किया, और उसके साथ कुछ कॉइन डिस्कस किए थे जिसके साथ मैंने टेक्निकल लेवल बताए थे कि अगर इस लेवल से नीचे आए तो आउट हो जाना, उसके बाद इन कॉइन्स में बने हुए नहीं रहना, और अगर वो किसी ने फॉलो की एडवाइस वो भी बचा हुआ होगा। दोस्तों देखिए हुआ क्या, एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा, क्रिप्टो कोविड जब आया लोगों के पास काम धंधा नहीं था, और यूएस में जम के पैसा छापा गया, इतना पैसा छापा गया कि लोगों के झोलियों में पैसे डाले गए कि आप किसी तरह से सरवाइव करो। जो क्रिप्टो की मार्केट थी 2020 में एक रन यहां पे शुरू हुआ जो 2021 तक जो है पहुंचा। 2020 में जो मार्केट है वो 300% ग्रो करी। जब कोविड आया तो लोगों के पास काम नहीं था, पैसे आ रहे थे, कहाँ इन्वेस्ट करें, कोई स्टॉक मार्केट में किया, किन्हों ने कहीं निवेश किया, और कईयों ने क्रिप्टो में निवेश किया। लेकिन इन क्रिप्टो में आपने एक वर्ड सुने होंगे, वेल्स, यही भाषा हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, जिसको हम प्रॉस और FIIs कहते हैं। FIIs सबके माई बाप हैं, और उसके बाद प्रॉस आते हैं, और वही जो है क्रिप्टो में वेल्स का नाम दिया गया। वो वेव्स जब मार्केट में आई, उन्होंने जम के जो पैसा छप रहा था लोगों ने इन्वेस्ट किया,
कईयों ने फंड्स में इन्वेस्ट किया, कईयों ने डायरेक्ट में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने फंड्स में इन्वेस्ट किया फंड्स ने उठा के जो है जहां जहां जो रिस्की सेट थी वहां वहां उठाया पैसा डालते चले गए। अब क्या हुआ, 300% मार्केट ग्रो कर गई, जो 758 बिलियन डॉलर की मार्केट पहुंच गई 2020 में, जब 300% ग्रो किया 2021 में, दोरा भी कोविड का चल रहा था और धमाका किया गया और मार्केट जो है इसमें जो बढ़त देखी गई 2021 में, बिटकॉइन की मार्केट कैप में 41% का ग्रो आया और जो मार्केट है वो बढ़ के 2.43 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। रफली ये 3 ट्रिलियन डॉलर भी जो है क्रॉस कर गया जो क्रिप्टो में निवेश हुआ, जो मार्केट कैप है। अब क्या हुआ, जब ये मार्केट उस लेवल तक पहुंची तो 2021 में लास्ट में आहिस्ता 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 जब पीक पे पहुंच गई, पैसे विड्रॉ होने शुरू हुए। कहीं करेक्शन का नाम दिया गया, कहीं विंटर मार्केट का नाम दिया गया, कहीं बियर मार्केट का नाम दिया गया। 20% जब कोई भी कॉइन अपने या कोई असेट्स या कोई मार्केट अपने 20% हाई से नीचे आता है उसको हम बियर मार्केट केस माना जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, अब अगर आज आप देखोगे कई ऑल्ट कॉइन, मैंने एक वीडियो 2-3 दिन पहले भी पोस्ट किया था, कई ऑल्ट कॉइन अपने जो है 90% 95% वैल्यू जो है वो लूज कर चुके हैं। उस केस में क्या होगा, अब क्या नया निवेश करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। रीजन ये है कि जो 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट थी और जो क्रैश अभी आया पिछले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में, मार्केट की जो बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो 1.45 लाख करोड़ रुपीस थी। टोटल जो 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप थी सभी ऑल्टकॉइन में, उसमें से खाली बिटकॉइन 1.45 लाख ट्रिलियन डॉलर की मार्केट थी, लाख करोड़ की, 1.45 ट्रिलियन की। अब हुआ क्या, जब ये मार्केट क्रैश आया, अब जो टोटल मार्केट कैप है सभी की इंक्लूडिंग बिटकॉइन, बिटकॉइन की मार्केट कैप आ गई तकरीबन 40,000 करोड़, और बाकी सभी ऑल्ट कॉइन जो क्रैश हुए हैं अब तकरीबन 85,000 से 90,000 करोड़ की मार्केट कैप रह गई। अब आपको समझ में आया होगा कि ये बाकी का पैसा कहां चला गया। जो वेल्स थी उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से क्या किया, उड़ा दिया। कॉइन बेचते गए, कॉइन देते गए, कॉइन बेचते गए, कॉइन देते गए। जैसे आपने टेरा का केस देखा, टेरा के केस से और क्रिप्टो मार्केट पे क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए और अब ये लगने लगा कि क्या सच में डॉलर का अल्टरनेटिव, क्रिप्टो को बताया गया था कि यूएस डॉलर जो इन्फ्लेशन है उससे आप जो है बच पाओगे, और क्या अब क्वेश्चन ये उठने लगे हैं कि क्या ये सच में डॉलर का अल्टरनेटिव है। सेकंड, क्या अब नया निवेश, अब 2 ट्रिलियन डॉलर अगर मार्केट से निकल रहा है, मार्केट कैप अगर कम हो गई है, क्या नया निवेश जो है वापस आएगा, नहीं आएगा। क्यों, मैं फंसा हूं किसी कॉइन में 100 डॉलर पे और कॉइन रह गया अभी 20 डॉलर या 10 डॉलर तक, मेरी प्रायोरिटी क्या होगी जब भी मार्केट चढ़ेगी, मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं अपना, जैसे 100 डॉलर तक पहुंचे, 50 कोई 20 डॉलर में हल्का होगा, कोई 30 डॉलर में होगा अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के लिए, कोई 100 डॉलर में हल्का हो गया, जिसने 300 400 500 डॉलर तक खरीदा है उसको और भी वेट करना पड़ेगा। इसीलिए ना ही एवरेज की अभी मेरी सजेशन है, ना ही नया निवेश करने की सजेशन है। तो फिर किया क्या जाए, सवाल ये उठता है, किया ये जाए, जो कॉइन जो असेट्स आपके पास पड़े हुए हैं उसको पड़े रहने दो। अल्टरनेटिव सोर्स, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढो। इन्फ्लेशन आपको जीने नहीं देगी, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ये आपको जीने नहीं देगी। अगर आपने पैसिव इनकम कोई और मोड नहीं ढूंढे तो आपको जो है आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है। बार बार मैं अपने प्रोजेक्ट में बताता भी हूं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लो, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लो। तो आपको क्या करना चाहिए, इंस्टेंट जो काइंड आपके पास पड़े हुए हैं वहां एवरेज करना। लालच में आ जाओ, कोई भी कॉइन आपको जो 500 डॉलर वाला आज 20 डॉलर में नजर आ रहा है, वो 25 डॉलर 30 डॉलर 40 डॉलर 10 डॉलर 15 डॉलर का आपको फायदा दिलवा सकता है, या क्या पता वो भी नीचे आ जाए। अब इन्वेस्टमेंट कम करनी है, मैं काफी बार अपने टेलीग्राम चैनल पे लिख चुका हूं, जो फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, 32,000 एक लेवल है बिटकॉइन का। जब तक ये इसके ऊपर निकल के तीन दिन तक ये स्टेबल ना हो, ट्रेड करना ना शुरू करे, आपको अभी क्रिप्टो करेंसी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। देखो देखो दोस्तों, एक बात मेरी समझ लेना,
अगर मार्केट अच्छी होगी तो 10 रुपए की चीज 15 रुपए में लोगे तो वह 25 रुपए में बिक जाएगी, और अगर मार्केट का हाल ऐसे ही रहा, आज आप देखो 20,860 का बिटकॉइन का लो है, और मार्केट के हालात ऐसे ही रहे तो फिर जो $20 की चीज है वो 10 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। इथीरियम बिटकॉइन आज रेट देखो, और मेरे दोस्त ये भी जानना चाहते हैं कि निवेश किस में करें, तो दोस्तों 700-800 डॉलर एक रेंज है, अगर इथीरियम इसमें आता है तो 25-50% पैसा डालो, और अगर आपने अभी कोई नया निवेश करना है इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास, जब मार्केट टर्न अराउंड करे, जब लगे अब यहां से बढ़ेगी, बिटकॉइन और इथीरियम में करो, दूसरे किसी कॉइन में मैं नहीं अभी एडवाइस करा इन्वेस्टमेंट करने की, चाहे जितना मर्जी बढ़िया हो। पहले चलेगा बिटकॉइन चलेगा, फिर चलेगा इथीरियम चलेगा, और फिर बाकी के जो है कॉइन चलेंगे। लालच में आके जो है अगर आप ऑल्ट कॉइन्स पकड़ोगे उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अब मेरे एक दोस्त हैं मनोज राजपूत, आज वो टेलीग्राम चैनल में पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि बिटकॉइन क्या है। तो दोस्तों ये प्योर कॉइन है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है, इथीरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, जिनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन का मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है, अगर तब से लेके अब तक आप इनका डाटा देखना चाहो, कंप्लीट एक ट्रेन के फॉर्म में ये पूरा आपको नजर में आएगा, आप देख सकते हो शुरू से लेके अब तक। अब जो इनसे कॉइन जनरेट होते हैं, जो इनसे ड्राइव होते हैं, उनको आप आल्ट कॉइंस कहते हो, या इथीरियम ब्लॉकचेन में कुछ इन्हीं की ब्लॉकचेन में हेरा फेरी करके, तोड़फोड़ करके, या कोई चेंज करके जब कोई नया कॉइन शुरू होता है उसको आल्ट कॉइन या अल्टरनेटिव कॉइंस का नाम दिया जाता है। होता वो क्या है, या उनकी खुद की कई बार ब्लॉकचेन होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ब्लॉकचेन का जो है वहां से रेफरेंस लेते हैं। तो आल्ट कॉइंस ये होते हैं, और मीम कॉइंस ये कौन से होते हैं, मीम कॉइंस हो गए फनी कॉइंस, जैसे हमारा शिबा इनू था, डोज कॉइन था। तो ये इन कॉइंस का क्या मतलब है, क्या इनमें पैसा बनता है? दोस्तों ये है फनी कॉइंस, ये कम्युनिटी ड्राइव करती है, एक आदमी, दो आदमी, पांच आदमी, 10 आदमी 20 आदमी इसमें अमीर बन जाते हैं और बाकी सारे देखते रहते हैं। जैसे आया कि $1 का किसी ने लगाया, $8,000 में शिबा इनू बेचे, उसने ले गए बेच दिए, हम फंस गए। मेरे अगर आपने वीडियो देखे होंगे, मैं शिबा इनू पे एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था, लवली इनू पे बनाया था, और जब मेरे को लोगों ने कमेंट किया तो मेरे को उनके कमेंट भी जो है बंद करने पड़े। आज आपको समझ में आ गया होगा सुशांत बख्शी जो बोलता है वो रिसर्च करके बोलता है, हवाबाजी कुछ नहीं बोलता। तो मीम कॉइंस का मतलब क्या है, मीम कॉइंस हो गया शोक, शोक के लिए आपने पैसा लगाया। जैसे आपने गाड़ी की नंबर प्लेट ले ली, एक आम आदमी नॉर्मल नंबर प्लेट लेता है, दूसरा आदमी जो है ऑक्शन में पार्ट लेके 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख का नंबर लेता है, तो शोक। तो अब इसमें क्या है, जब बड़े बड़े इन्वेस्टर, जब हमारे एलॉन मस्क जैसे घूमे, डोजकॉइन जगदम बढ़ गया, मार्क क्यूबन उन्होंने कहा हाँ मैं भी इंटरेस्ट है, इसका भी इंटरेस्ट है, हमें देखा हम भी कूद पड़े। वो कब कूदे कब निकले हमें उनका तो पता नहीं चला, लेकिन मैं और आप जैसे कई जो इन्वेस्टर्स हैं, लाखों इन्वेस्टर्स इसमें फंस गए, और आज आपने देखा इन्वेस्टमेंट की उनकी क्या वैल्यू हुई है। तो आपको किसी भी कॉइन में, स्पेशली मैं मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट की कभी किसी को सजेशन नहीं देता, करना है प्योर कॉइन में करो, अच्छे कॉइन में करो, पैसा बनेगा। लेकिन अभी जो मार्केट है ये नहीं है, क्योंकि मार्केट को, एटलीस्ट क्रिप्टो को, लोगों का विश्वास जीतने में दोबारा काफी टाइम लगेगा, लोग अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जाएंगे, शेयर मार्केट में जाएंगे, स्टॉक मार्केट में जाएंगे, स्टार्टअप में जाएंगे जिसमें पैसा बनेगा। अगर आप में दम है तो आप उसका पार्ट बन सकते हो, नहीं है तो फिर आप जो भी आपके दिल में आता है, जैसे आपने पैसे को आग लगानी आप लगा सकते हो, आप डोनेट कर दो किसी को, दुआएं मिल जाएंगी, फिर जो आपने लगाया है पैसा ऑलरेडी क्रिप्टो में, वो दुआओं के बल पे आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। बट नया निवेश मैं बार बार आपको कहता हूं, फिलहाल अभी नहीं करो जब तक मार्केट स्टेबल ना हो, जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी फिर आप जो मर्जी करो। और यहां पे सुपर मोटर के जो कॉइन है उसके ऊपर भी मैं आजकल में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। यहां पे एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे काफी दोस्त हैं जो फॉलो करते हैं, जिन्होंने शायद विश्वास नहीं आया उनको इस कॉइन पे, मैं वॉच करता हूं उनकी एक्टिविटी भी, लेकिन यहां पे अपडेट करना चाहता हूं। नेपाल से एक मेरे दोस्त हैं रोशन कुमार गुप्ता, और उनके एक ब्रदर हैं, कजन है शायद, या उनके जीजे हैं कुछ, नरेश गुप्ता, वो जो है, और रोशन कुमार गुप्ता जो है नंबर 1 पे चल रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा भी रेफरल किए हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करता हूं, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा
क्योंकि मेरे दोस्तों की जो इंक्वायरी थी मैंने सोचा उनको एक वीडियो बना के रिप्लाई दे दूं। आपका भी कोई सवाल हो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो या मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।